कृषि के बारे में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। किसान की 50 साल से जो मांगे थी वो आज पूरी हो रही है। पहला अत्यावश्यक कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। यह कानून कब बना था? बहुत पहले बना था, जब देश में किल्लत होती थी। आज कोई किल्लत नहीं है कृषि उत्पादन की, बहुतायत है, और इसलिए ऐसे समय ऐसे बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी। आज इस लटकते तलवार को खत्म किया है और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी वस्तुएं एसेंशियल कमोडिटी टू प्रिजर्व 8% वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। दिस इज नो स्मॉल फीट बिकॉज इंडिया हैज बीन एबल टू प्रूव दिस दैट हियर इज द कंट्री विच प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स। वी हैव डिसाइडेड टूडे टू लॉन्च अवर नगर वन प्रोग्राम, अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम इन 200 कॉरपोरेशन सिटीज ऑफ इंडिया। देयरफॉर आई अपील टू सिटी कॉरपोरेशन। देर है, जब चुनाव आएगा तब हम लोग किस तरह की रैली करना है उसका विचार करेंगे। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 6 साल पूरा हो गया और दूसरी बार जो सत्ता में आए उसका 2रा साल है, और कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार के गरीबों को 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो मदद की गई है, उन्हीं सारी बातों को बताने का काम, गरीबों के साथ जन संवाद कार्यक्रम करने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं। और चूंकि देखिए लॉकडाउन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, अभी भी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, तो हम लोगों ने ये डिजिटल माध्यम का उपयोग करने का निर्णय लिया है। और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ऑडियो वीडियो सारे चीज़ों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और सबसे कम खर्च में ये कार्यक्रम हो सकता है। जहाँ एक रैली करने में 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख खर्च हो जाता है, ये तो 1 लाख